24। राजनांदगांव जिले के धनलक्ष्मी पेपर मिल से निकलने वाली धुआं ने आसपास के 10 गांवों का जीना मुहाल कर दिया है। ग्रामीणों के बताए अनुसार पेपर मिल से निकलने वाली जहरीली धुआं के कारण उन्हें सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही खुजली जैसे बीमारी भी उत्पन्न हो रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने SDM से लिखित शिकायत की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम अमलीडी में धनलक्ष्मी पेपर मिल है, जिससे निकलने वाली अत्यधिक प्रदूषण रहित जहरीली धुआं से आसपास के लगभग 10 गांवों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं इस जहरीली धुआं से लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, खांसी, दमा आदि भयंकर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। इस जहरीली धुआं से मनुष्य सहित पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों का भी जीवन संकटमय होने के साथ फैक्ट्री सर्वविदित है कि प्रदूषित व जहरीली धुएं से युक्त वायु मानव शरीर व अन्य जीवों में श्वास के माध्यम से प्रवेश कर अपने जानलेवा बीमारियों का कारण बनती है। वहीं प्रदूषित वायु के कारण लोग ना तो ठीक से सो पा रहे हैं, ना ठीक से खाना खा पा रहे हैं, जिससे मानवीय शारीरिक समस्या उत्पन्न हो रही है व ग्रामीणों का शारीरिक क्षमता का भी क्षय हो रहा है। साथ ही ग्रामीण अधिकतर किसानी करते हैं। वहीं धनलक्ष्मी पेपर मिल से निकलने वाली जहरीली धुआं से मानव शरीर के साथ सैकड़ों एकड़ के फसल भी बर्बाद हो रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीण कई बार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक धनलक्ष्मी पेपर मिल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे नाराज 10 गांव के ग्रामीण सुखरी पंचायत के आश्रित ग्राम झींका में सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीण बैठकर निर्णय लिया गया कि अगर फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो ग्रामीण सड़क की लड़ाई करने और सड़क चक्का जाम करने की बात कही गई। वहाँ से जो धुआं आता है ना सर, उससे मतलब सांस लेने में तकलीफ है, खाना खाने में, हर चीज में, सोने उठने बैठने सब चीज में तकलीफ है सर। कभी शिकायत की है इनकी आप लोग? हाँ सर, गए थे। क्या बोलते हैं? करेंगे तो बोले थे सर। अभी तक नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। धुआं निकलता है, धुआं से आँख की रोशनी खराब होता है, धुआं में कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है, इतना खराब खराब चीज़ निकलता रहता है। और क्या क्या परेशानी होती है? और क्या क्या परेशानी होती है आप लोग को? बहुत सी परेशानी है, वातावरण दूषित हो रहा है, आँख में जलन होता है, रात की नींद आराम हो जाता है। गंदा पानी बहती है नाला से, नदी में आती है, नदी में नहाने जाके बच्चा मान बुजुर्ग मान सब कुछ ही हो जाते हैं, हाथ पैर में सोए पर भी परेशानी है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और बच्चा मान तो खास करके ज़्यादा परेशानी है। यहाँ क्या है, धनलक्ष्मी परमिल के अंतर्गत जो वहाँ का झिल्ली निकलता है ना, वो 10-20 एकड़ 20-30 एकड़ में करीबन है, और वो ऐसे गर्मी के दिन में जला देता है, और वो धुआं से आदमी का जनजीवन व्यस्त हो जाता है। यहाँ कई 8-10 गांव में प्रभावित पड़ता है। किस तरह की परेशानी होती है उसमें? उसमें सांस लेने में परेशानी होती है, जहरीला उसमें धुआं निकलता है वो झिल्ली का। अभी आप लोग शिकायत किए हो, शिकायत पे कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करोगे आप लोग ग्रामीण लोग? वही सीखा और आगे उसके लिए और आंदोलन करेंगे। धनलक्ष्मी पेपर मिल से जो गंदा पानी और बदबू और उसका जो राखड़, ये राखड़ और बदबू से गांव के जनता, और एक ही गांव का नहीं, इसमें 4 से 5 पंचायत आता है, ये पूरा गांव वाले परेशान हैं। और इसका जो गंदा पानी निकलता है वो सुखरी की नदी में जा कर मिलता है, इसका शिकायत हम लोग ना SDM से कर चुके हैं। SDM बोला है कि कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। किस तरह से लोगों को परेशानी होती है गांव में? उसका राखड़ जो निकलता है वो आँख को चुभता है, उसका जो धुआं निकलता है, प्लास्टिक जलता है, वो पूरा बदबू में हम लोग ना रोड में चल पाते हैं, ना गली में घूम पाते हैं। सांस लेने में तकलीफ होती है? सांस लेने में तकलीफ होता है, बच्चे लोगों को ज़्यादा परेशानी है, खेत में जाओ तो खेत के धान में पूरा काला काला जम जाता है। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, ACN 24।